अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स ऑल डियर ब्रदर, अऊज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने लगा हूँ, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं और बहुत सारे दोस्त मुझसे रबता कर रहे हैं कि जो कैट का ETS सॉफ्टवेयर, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कैड के सॉफ्टवेयर को आप यानी कैसे लगाएंगे अडैप्टर को, या कैसे मशीन को डायग्नोस करेंगे, कोड कैसे चेक करेंगे, कोड क्लियर कैसे करने हैं। ठीक है, शुरू करते हैं जी वीडियो। ये कैड ETS है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। अभी इसको मैं यूज़ करूँगा ट्रेनिंग मोड पे, सही है। ये मैं ऑन टेबल काम कर रहा हूँ यानी, लेकिन सेम ही ऐसे होता है जब आप मशीन में ये कनेक्ट करेंगे तो कोई इशू नहीं है। ये मैं स्टॉप कनेक्ट करूँगा, ठीक है। और ये इधर है ट्रेनर मोड, अभी मैं ट्रेनिंग मोड पे चला गया हूँ, सही है। ये सारी मतलब इसके अंदर कैड के अंदर एक ट्रेनिंग सिस्टम आता है, जो आप यानी बैठ के रूम के अंदर भी इससे ट्रेनिंग ले सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर मसला आ रहा है एक्सवेटर्स में, हम जाएँगे एक्सवेटर में। ओके, ये 324D एक्सवेटर, उसके बाद हम ओके कर देंगे, ठीक है। प्लीज़ वेट, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इल्म में इजाफ़ा हो। आज का ये जो दौर जा रहा है, इसमें बहुत ज़रूरी है मशीनों को या ट्रकों को कंप्यूटर से काम करना, क्योंकि ऑल नई ट्रक्स मशीनरी आ रही है, उनमें विदाउट स्कैनर कोई बंदा भी काम नहीं कर सकता। अच्छा, ये 3 ECM डिटेक्ट हो गए हैं, अभी हम ओके कर देंगे। किसी भी बंदे को ये कैट का अडेप्टर या कुमेंस का चाहिए हो, मान मर्सिडीज़, ओके। अच्छा जी, हम इसमें आ गए, अभी देखते हैं। सबसे पहले अच्छा, ये हमारा ऊपर है डायग्नोस्टिक है, इंफॉर्मेशन है, सर्विस है, ओके। ये कॉमन है, सही है। ये स्टेटस टूल, जैसे आपके कुछ स्कैनरों में होता है लाइव डेटा, ये इसमें है स्टेटस टूल, ओके। उसके बाद ये आगे 7 शो होता है, ओके। ये एक्टिव डायग्नोस्टिक कोड है, ठीक है। ये देखें, 7 शो हो रहा है, जैसे ही आप माउस इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे करेंगे, लोगेज डायग्नोस्टिक कोड है, ओके। आगे जो है एक्टिव इवेंट कोड, मतलब जो इससे पहले मशीन में आए थे, ठीक है। तो इसके बाद ये ICM समरी, ओके। ये कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कोई पैरामीटर की सेटिंग वगैरह इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। ये डिसकनेक्ट है, आप डिसकनेक्ट करके टूल को अगेन कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो आगे ट्रेनर है, और ये है विन फ्लैश। विन फ्लैश ये होती है कि जब आप ECM नया लगाते हैं, ओके, उसके अंदर आपने फाइल डालनी है मशीन के हिसाब से, तो आप इस कैट के टूल से उस मशीन में ये फाइल भी डाल सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, ओके। सबसे पहले हम जाएंगे एक्टिव डायग्नोस्टिक कोड। अच्छा जी, ये हमारे एक्टिव कोड हैं, ठीक है। पावर शिफ्ट सोलनॉइड करंट अबो नॉर्मल, ओके। ये हैवी लिफ्ट सोलनॉइड वोल्टेज अबो नॉर्मल, सही है। ये कोड जब आपके आते हैं, आपकी मशीन में सोलनॉइड ख़राब भी हो सकते हैं, उनकी वायरिंग भी कटी हो सकती है, ग्रिप निकला हो सकता है, मतलब ये काफ़ी सारे इशू होते हैं। तो ये है नीचे ट्रबल शूटिंग है, ओके। एक्टिव इवेंट्स कोड है, स्टेटस है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे जो है लोगेज डायग्नोस्टिक कोड है, ठीक है, ओके। इधर हम अभी चले गए, ये कोड है, ओके। जैसे ही हम इस कोड के ऊपर क्लिक किए, नीचे देखें क्लियर का है, ठीक है। इसको हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, इधर से हम क्लियर कर सकते हैं, ओके। ये जो C7 इंजन है, उसमें ये नीचे देखें कोड आ रहे हैं, ठीक है। फ्यूल डिलीवरी प्रेशर सेंसर, ठीक है, वोल्टेज अबव नॉर्मल, इंजन ऑयल प्रेशर सेंसर के आ रहे हैं, इनटेक मैनिफोल्ड एयर टेम्परेचर सेंसर के आ रहे हैं, ओके। ये नीचे भी कोड आ रहे हैं अर्थेटिक जो है ना। अच्छा, इस कोड को हम क्लियर करते हैं, क्लियर हमने इधर से करना है, ओके। ये भी हमसे पूछ रहे हैं, भाई आप श्योर हैं कि ये कोड आप क्लियर करेंगे, कहते हैं ओके। ये हमारा कोड क्लियर हो गया, ऐसे आपने इसके कोड क्लियर करने हैं। उसके बाद जो कोड आपके पास बच जाता है, उस कोड पर हमने काम करना है, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में तो ये कम से कम 20 मिनट की वीडियो हो जाएगी, तो फिर ज़्यादा लंबी वीडियो मज़ा नहीं करती। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और जो दोस्त ऑनलाइन मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं,
मुझसे रابता करें पाकिस्तान में हो चाहे किसी भी जगह में, ठीक है। पाकिस्तान में स्पेशली हम इस्लामाबाद तरनोल में समझा रहे हैं लोगों को, जो ख़ास तौर पे बाहर जाने वाले बंदे हैं, जिस एजेंसी में भी आप जाते हैं वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि आप गाड़ी को कंप्यूटर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इस टाइम न्यू व्हीकल्स जितनी भी आ रही हैं इलेक्ट्रॉनिक है, ओल्ड भी इलेक्ट्रॉनिक है, तो किसी बंदे को भी ट्रेनिंग चाहिए हो या किसी किस्म का हैवी ड्यूटी के लिए टूल चाहिए हो वो मुझसे रابطہ कर सकता है, ठीक है। ये एक ऐड का अडेप्टर है, ये मेड इन चाइना का अडेप्टर है, कनाडा का नहीं है, मेड इन चाइना का भी अडेप्टर अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। ये जाल टेस्ट V9 है, जाल टेस्ट भी किसी को चाहिए हो आप हमसे रابطہ कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मज़ीद मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।